आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम हेडर फुटर के बारे में जानेंगे कि हेडर फुटर्स जो हैं वो क्या होते हैं और इनका क्या फायदा है। हेडर फुटर का सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वो इंसर्ट टैब में मिलेगा आपको। इंसर्ट टैब में आपको हेडर फुटर वाले ऑप्शंस मिलेंगे और हेडर फुटर में बेसिकली तीन तरीके के आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है हेडर, दूसरा है फुटर और तीसरा है पेज नंबर। इन तीनों को हम आज समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडर फुटर एंड पेज नंबर जो पढ़ेंगे उसके लिए हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, यानी बहुत सारे पेज या चार पांच पेज हम यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। तो चार पांच पेज रेडी करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला है इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला का यूज आपने पहले भी देख रखा है, मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया। सेलेक्ट ऑल करने के लिए मैंने कंट्रोल ए, कीबोर्ड से कंट्रोल ए की प्रेस किया है और जस्टिफाई कर लिया। और ये देखिए आपका दो तीन पेज हमारा जो है रेडी हो गया है। और दो तीन पेज हमको रेडी करना है, तो इस तरीके से हम टोटल तीन चार पेज यहाँ पर रेडी कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर तीन पेज है। अब हम हेडर फुटर ऑप्शन का यूज यहाँ पर देखेंगे। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास तीन पेज है। तीन पेज अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो हमारे पास हर पेज पर यहाँ पर टॉप में कुछ जगह खाली रहती है, बॉटम पे कुछ जगह खाली रहती है, लेफ्ट में कुछ जगह खाली रहती है और राइट में कुछ जगह खाली रहती है। तो हर पेज में साइड वाला जो एरिया है वो खाली रहता है, इनको मार्जिन्स कहा जाता है। मार्जिन के अलावा टॉप और बॉटम पर भी थोड़ा सा एडिशनल स्पेस खाली रहता है, जिसको हेडर एंड फुटर कहा जाता है। हेडर एंड फुटर का काम होता है किसी टाइटल को या कंपनी के नेम को, एड्रेस, ईमेल आईडी, लोगो आदि को हर पेज पर रिपीट करना। हेडर और फुटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये अगर हेडर फुटर में आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो हर पेज पर वो रिपीट होगा। चाहे आप 1000 पेज बनाइए, ऑटोमेटिक वो रिपीट होने लगता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं पहला पेज यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर हेडर वाले ऑप्शन में जाएंगे। हमको पहले से पता है यहाँ पर एरो वाले में जाएंगे तो हमको पहले से बने बनाए कुछ बिल्ट इन हेडर मिलेंगे। जैसे एक ब्लैंक हेडर है, उसके बाद आपको दिखेगा ब्लैंक थ्री कॉलम हेडर, अल्फाबेट्स, या फिर आप अपने मन से कुछ और हेडर भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो एडिट हेडर में जा करके आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं ये वाला हेडर जो है इसको ऐड करता हूँ। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए हेडर जो है एक्टिव हो जाएगा। आपको यहाँ पर फिर से देखना है कि ऊपर के जो ऑप्शंस है वो तुरंत चेंज होंगे और हेडर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ वाला जो एडिशनल एरिया है वो एक्टिव हो जाता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखिए ये जो हेडर वाला एरिया है ये एक्टिव हो चुका है और बीच वाला जो एरिया है वो अभी डिसेबल हो गया है। प्लस हेडर एंड फुटर के कुछ डिजाइन टूल यहाँ पर आ गए हैं। क्लियर है? तो हेडर एंड फुटर के डिजाइन टूल आ गए हैं। अभी मैंने फिलहाल हेडर लगाया जरूर है लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है। मैं फिर से इसको क्लोज कर देता हूँ, हेडर एंड फुटर को। देखिए मैंने क्लोज कर दिया, फिर नॉर्मल हो गया। अब जब मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि हर पेज पर ये एक्टिव हो गया है, पेज नंबर वन, पेज नंबर टू। और हेडर जो है हमेशा टॉप में आता है और फुटर जो है हमेशा बॉटम पे आता है। तो यहाँ पर पेज नंबर वन, पेज नंबर टू, पेज नंबर थ्री और पेज नंबर फोर। इसके बाद मैं कुछ पेज और लिख लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिखना चालू करता हूँ कुछ पेजेस। तो जैसे ही मेरा पेज नंबर फाइव आया, देखिए ये पेज नंबर फाइव आ गया, तो इसमें फिर से अपने आप ये आ गया। यानी आप जितने पेजेस ऐड करते जाएंगे उतना वो आते जाएगा और जितना पेज हटाते जाएंगे अपने आप हटते जाएगा। यानी कि आप देखे होंगे किसी कंपनी का लेटर पैड होता है, उसमें टॉप में नाम लिखा रहता है, नीचे के कंटेंट चेंज होते हैं। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर की जो पर्ची होती है उसमें ऊपर में डॉक्टर का नाम, उसके क्लिनिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर, टाइमिंग, उसकी डिग्रीज, वो सारी चीजें यहाँ लिखी रहती है और हर पेज में रहती है वो।
तो इस तरीके से हम हेडर को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि इसको चेंज करना है तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जा करके हेडर में जाना पड़ेगा, ठीक है, एडिट हेडर कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करने से भी आ जाता है। यहाँ पर हेडर वाले एरिया पे आप डबल क्लिक करिए, ये हेडर वाला जो ऑप्शन है ये देखिए आ जाएगा, और नीचे डबल क्लिक करेंगे तो फुटर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइटल दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साइंस कॉलेज, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिटेल्स दे दी हैं और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए हर पेज पर आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे सभी में ये डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और तो और आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो उसमें भी डिस्प्ले होगा। देखिए पहले पेज में, आप दो तीन पेज एक साथ देख लीजिए, यहाँ पर मैं टू पेजेस कर देता हूँ, देखिए दो पेज में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, फिर नेक्स्ट पेज करूँगा तो फिर अगले पेज में, अगले पेज में, हर पेज में यहाँ पर डिस्प्ले होगा, क्लियर है। तो हेडर और फुटर का काम होता है, उसमें आप जो भी कंटेंट देते हैं वो दो टाइप के कंटेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। हेडर फुटर में दो टाइप के कंटेंट आप दे सकते हैं, एक तो स्टैटिक कंटेंट होते हैं, दूसरे डायनेमिक कंटेंट होते हैं। दोनों में अंतर ये होता है, स्टैटिक कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होता है, जैसे मैंने साई कॉलेज लिखा तो हर पेज में सेम टू सेम साई कॉलेज लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पर मैं सेक्टर 6 की स्पेलिंग चेंज कर दूंगा या सेक्टर 6 में डैश हटा देता हूँ तो हर पेज से वो डैश हट जाएगा। ये देखिए हर पेज से वो डैश हट जा रहा है, क्लियर। यानी यहाँ पर आप जो भी देंगे वो क्या करेगा, हर पेज पे रिफ्लेक्ट करता है, टॉप में, हर पेज के टॉप में ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये काम होता है हेडर का, और फुटर का सेम काम होता है लेकिन वो बॉटम पे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं हेडर फुटर को फिर से लगाता हूँ यहाँ पर और फुटर लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं फुटर लगाता हूँ, सेम ऑप्शन आ रहे हैं, मैं यहाँ पर फुटर लगा दूंगा तो यहाँ पर देखिए ये नीचे में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल नंबर 9998886666, यहाँ पर जब मैंने फुटर लगाया और यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ मैं, तो आप देख रहे हैं कि ये हर पेज के बॉटम पर आ रहा है, हर पेज के बॉटम पर आएगा ये, क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं डायनेमिक और स्टैटिक कंटेंट की। ये तो नॉर्मल चीज थी जिसको हमने देखा कि हेडर एंड फुटर पे हमें अप्लाई कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे हेडर एंड फुटर में वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डायनेमिक कंटेंट को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले हेडर या फुटर का ऑप्शन जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, एडिट हेडर या एडिट फुटर, दोनों में सेम चीज ओपन होगा, या फिर आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो कंटेंट मैंने दिया है ये स्टैटिक कंटेंट है, डायनेमिक कंटेंट हम कैसे ऐड करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कर्सर वहां रखना है जहां पर हमको डायनेमिक कंटेंट ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर डायनेमिक कंटेंट ऐड करना है, तो डायनेमिक कंटेंट हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डिजाइन में कई सारे डायनेमिक कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे, आपको तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एडिट हेडर एंड फुटर के ऑप्शन में हेलो हेलो